हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी SIP शुरू करते हैं तो आखिर जब भी हम पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आखिर किस तरीके का टैक्स लगता है और आखिर कितना टैक्स लगता है, तो उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 5,000 रुपये अगर मंथली के हम यहाँ पर पे करते हैं और इसी के साथ में जो SIP है वो हमारी चलती है 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर्स हमारी SIP चलती है और प्लस इसमें हमें 15% यहाँ पर रिटर्न मिलता है, ठीक है, यानी कि जो रिटर्न है वो हमारा 15% यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ में अब जो इसकी कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगी कि आखिर जो टैक्स है वो कितना लगेगा और कितना कितना हमें किस किस तरीके से टैक्स पे करना होगा, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो टोटल आपकी अमाउंट होगी वो होगी यहाँ पर, टोटल अमाउंट जो आपकी 5,000 से जमा होगी और 3 साल तक आपकी चलती है तो वो हो जाती है, आपकी जो अमाउंट है वो हो जाती है 1,80,000 रुपये यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि। और इसी के साथ में अब आपका जो इसमें प्रॉफिट होता है, तो एग्जाम्पली तौर पर हम मान लेते हैं जो हमें रिटर्न मिलता है वो मिल जाता है हमें 15%, जैसे कि ये है हमारा 15% हमें रिटर्न मिला है, तो यहाँ पर जो हमारा जींस हो जाता है वो हो जाता है 48,397, ठीक है। इतना हमें यहाँ पर, यानी कि इस पैसे पर जो हमने SIP चला रहे थे वो 3 साल में हमें हमारा जो पैसा जमा हुआ है वो हुआ है 1,80,000 और जो इस पर हमें रिटर्न मिला है वो मिला है 48,000। अब कहने का मतलब है इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर जो हमारा पैसा होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 2,28,000। 28,000 हमारा यहाँ पर रुपए हो जाएगा। अब कहने का मतलब है इस पर टैक्स किस तरीके से लगेगा, तो सबसे पहले तो भैया मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो आपने इसमें पैसा जमा किया है, ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें जो आपका पैसा होगा वो अगर आप 1 साल के बाद पैसे को निकालते हैं, कहने का मतलब है अगर आपने 3 साल तक पैसा जमा किया और उसके बाद में 1 साल आपको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने पैसे को विड्रॉल किया तो वो आ जाएगा आपका लॉन्ग, ठीक है। और इसी के साथ में अब आप चाहते हैं, जैसे कि हमने अपनी SIP है 3 साल, आज हमारे कंप्लीट हो गए और हम आज ही पैसे को विड्रॉल कर लें, तो ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट टाइम भी लगेगा और आपको लॉन्ग टाइम भी लगेगा। अब आपको शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम किस तरीके से लगेगा वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जो पैसा है, अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म पर हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म पर हमें टैक्स पे करना कितना होगा। तो लॉन्ग टर्म पर जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो पड़ रहा है हमें 12.5 और इसी के साथ में आपको 1,25,000 की आपको छूट भी मिल रही है, ठीक है, लॉन्ग पर, और इसी के साथ में शॉर्ट पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में आपको एग्जिट लोड भी इसमें पे करना पड़ेगा 1%, हो सकता है इसमें आपका जो एग्जिट लोड है आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर जो म्यूचुअल फंड है वो कौन सा है और उस पर आपको एग्जिट लोड कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो तरीका यह है, अगर आपने 2 साल चलाई है या फिर 3 साल चलाई है SIP और उसी के साथ में आपने SIP को रोक दिया है तो उसके 1 साल बाद पैसे को विड्रॉल करें, तो आपको टोटल ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और इसी के साथ में अगर आपको इमरजेंसी में कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, तब आप सारे ही पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा कि इसमें आपको 11 मंथ यानी कि 3 ईयर हैं, ठीक है, 3 ईयर्स में से आपको यहाँ पर 11 मंथ का इस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब 11 मंथ में कितना पैसा होता है आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 55,000 होता है 5,000 के हिसाब से, तो 55,000 आपका वो हो जाता है इसमें कि 48,000 रुपये, ठीक है, जैसे कि 48,397 और भाग 12 1 12 में 24 बारती हैं 36, तो हम 36 से इसे भाग कर देते हैं
तो हो जाता है हमारा जो प्रॉफिट होता है यानी कि पर मंथ पे वो हो जाता है 1344.36। ठीक है, कहने का मतलब है हमारे जो म्यूचुअल फंड में पैसे बढ़ रहे थे वो 1344.36 पैसे यानी कि बढ़ रहे थे हर मंथ। ठीक है, अब कहने का मतलब है जो 55,000 तो आपका ये हो गया। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर हम गुणा कर देते हैं 11 से, गुणा 11। ठीक है, प्लस ये अमाउंट आपका 14,787.97। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस पर तो आपका लगेगा 100 टाइम टैक्स, 100 टाइम टैक्स लगेगा। ठीक है, अब इस पर किस तरीके से लगेगा, जैसे कि मैं इसे प्लस कर देता हूं यहां पर 55,000 के लिए और इसे 55,000। तो कहने का मतलब है आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 69,69,787.97 रुपए पर आपको लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस पर आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो पड़ेगा, जैसे कि ये हो जाता है, अब मैं यहां पर कर देता हूं गुणा 21% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा शॉर्ट पर। ठीक है, जैसे कि आपको 20% तो आपको गवर्नमेंट ने जो भी रूल रखे हैं उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा, और इसी के साथ में आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जैसे कि तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 21। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है परसेंटेज। तो कहने का मतलब है आपको 14,655 रुपये को तो आपको इसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो टैक्स है 14,655 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में अब आपको लॉन्ग पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो आपकी अमाउंट बची, यहाँ पर 1,80,000 रुपये हमारा जमा हुआ था, ताकि हमारा जो 55,000 अमाउंट था वो हमारा घट गया था इसमें से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,80,000। ठीक है, माइनस 55,000, तो मैं यहाँ 55,000 अपना अमाउंट कम कर देता हूँ। बाकी का जो हमारा अमाउंट बचा वो बचा यहाँ पर 1,25,000। अब ये आ जाता है आपका लॉन्ग में। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग में आ जाता है 1,25,000, ये लॉन्ग में आ गया। ठीक है, उसके बाद में जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था 48,000 का, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि 48,397। अब इसी के साथ में से इसमें से जो अमाउंट घटी थी वो आपकी यहाँ पर घटी थी 14,787। ठीक है, तो मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ 14,787.96। आपकी 48,397 में से 14,787.96 अमाउंट है। ठीक है, अगर वो घटेगी तो आपकी यहाँ पर बचेगी 33,609.04। ठीक है, जो कि आपकी इतनी अमाउंट यहां पर बचेगी। इसी के साथ में अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी अमाउंट है जो कि आपकी यहां पर इस पर टैक्स लगा था तो वो घटी थी, उसके बाद में इसमें से जो अमाउंट है आपकी कितनी बची। ठीक है, तो जो हमारी अमाउंट है वो है यहां पर 787। ठीक है, और 0.97, इसी के साथ में माइनस हो जाएगी हमारी 14,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर 14,655 रुपये माइनस कर देते हैं, और बराबर में जो हमारी बचा 55,132.97, जो कि हमारा टैक्स इस पर कट चुका है। ठीक है, इस पर जो हमारा टैक्स था वो कट चुका है। अब हमारा यहाँ पर जैसे कि अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर जो हमारा लॉन्ग कैपिटल गेन टैक्स है वो हमारा कितना लगता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब भी हम लॉन्ग कैपिटल गेन के अंदर आते हैं यानी कि जो हमारा पैसा आता है, ठीक है, तो उस पर जो हमारी अमाउंट होती है उस पर हमारा टैक्स फ्री हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारा फ्री हो गया ये पैसा, तो इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। अब इसी के साथ में एक और लॉन्ग टाइम में जो भी आपका अमाउंट आती है, जो भी आपका रिटर्न होता है, उस पर भी आपको छूट मिलती है। वो छूट मिलती है जैसे कि 1.25,
लाख रुपए की, ठीक है, यानी कि आपको 1.25 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। अब जो आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो हुआ था आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म में 33,000.04। तो कहने का मतलब है ये तो 1 लाख से बहुत कम है, तो इस पर आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा, ठीक है। तो ये टैक्स फ्री हो गया, ये टैक्स आपका फ्री हो गया। अब हम देख लेते हैं, देखो हमारा जो लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स लग रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से लगता है, और क्योंकि इस पर टैक्स लगता पर ये एक यानी कि 1.25 लाख से कम है, क्योंकि हमें 1,25,000 की तो सरकार छूट दे रही है, यानी कि अगर लॉन्ग कैपिटल गेन टैक्स लगता है तब, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको 11 मंथ का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ में अब चलिए हम जोड़ लेते हैं कि आखिर जो हमारी अमाउंट है वो हमें आखिर कितनी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि 55,000 हमारी ये मिलेगी, 55,132.97, ठीक है। अब हमारी जो SIP जो हमने की थी 1,25,000 की, ठीक है, यानी कि जो हमारा यानी कि लॉन्ग टाइम में लगा था पैसा जो हमारा जमा हुआ था वो यहाँ पर हम करेंगे, जैसे कि 1,25,000, ठीक है। और इसी के साथ में जो हमें रिटर्न मिला है, जो हमारा टैक्स कटा था, ठीक है, इसमें से, ठीक है, वो हमारी अमाउंट यहाँ पर थी जैसे कि 33,009.04। अब ये हम तीनों को यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो अमाउंट निकल के आएगी वो हमें यहाँ पर अमाउंट मिलेगी, ठीक है, जैसे कि 2,13,741.97। तो ये हमारी जो अमाउंट है जो कि हमें मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ में होंगे कि अगर हम SIP 3 साल तक चलाते हैं या फिर 4 साल तक चलाते हैं तो हमें लास्ट 11 मंथ का ही हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इसी के साथ में अगर आप सभी पर ही लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स लगाना चाहते हैं तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पर 1 साल इंतजार कर देना है। जैसे कि अगर आपने आज अपनी SIP को रोक दिया तो आज से ही आप 1 साल बाद पैसे को निकालें तो आपको सारे ही पैसे पर सारी ही जगह आपको लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स देखने को ही मिलेगा और वो ही लगेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जब भी अगर आप SIP चला रहे हैं तो आप अपनी SIP को रोकें और उसके बाद में 1 साल बाद पैसे को विड्रॉल करें, तब आपको वहां पर अधिक प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म पर 21% तो आपको देना ही पड़ जाता है, यानी कि 20% आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से देना पड़ता है और 1% आपको एग्जिट के हिसाब से देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको 21% हो गया, तो 21% के मारे समझो बहुत ज्यादा अमाउंट, यानी कि अगर आपने एक ही साल चलाई है ना तो कहने का मतलब है आपके जो भी आपने पैसा जमा किया होगा उसमें से भी आपको घटकर मिलेंगे, ठीक है। वो तो यहाँ पर 3 साल की मैंने आपको SIP को समझाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आखिर SIP की जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से होती है। अगर आपके मन में फिर भी कोई भी सवाल रह जाता है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मिलते हैं ना इस वीडियोज़ में।